العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على في أول كلامنا، اللهم صل على في أوسط كلامنا، اللهم صل على في آخر كلامنا صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر سے آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر، اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت احترام حضرات علماء اکرام، معززین علاقہ، دور دراز قرب و جوار سے آئے ہوئے سنی بے باک نڈر بے خوف بہادر ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے گزشتہ سالوں کی طرح الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر جو ہے آپ کی مسجد کا جو ہے وہ اسٹیج سج گیا ہے. حضرات محترم، ہمارے پروگرام کا عنوان ہے چاند محمد، سب بولے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ، اور ستارے صحابہ. کتنا خوبصورت عنوان ہے، آقا اگر چاند ہے تو ستارے، بولے بھائی ستارے، ستارے صحابہ. اب ستارے روشنی سب دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں بھائی، کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ. آقا علیہ السلام کے صحابہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ برحق ہیں. کیا ہیں بھائی؟ کیونکہ وَقُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سب سے جو ہے وہ جنت کا وعدہ کیا ہے. تو تقریر انشاءاللہ علماء اکرامی کریں گے، بس ایک تمہید باندھ رہا ہوں. تو بھائیو دوستو، ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں ان میں تلاوت کے لیے قاری سید سلمان ہاشمی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور اسی طرح اسلام آباد سے حضرت مولانا غازی فاروق معاویہ صاحب وہ بھی تقریباً تشریف لا چکے ہیں، اور اسی طرح دیر بالا پاتراک یہ بالکل جو ہے نا تیمرگرہ دیر اپر دیر یہ بالکل اینڈ ہے،
कुम्हरार से पहले आता है ये इलाका, उन पहाड़ों से इतना तवील सफर करके हजरत मौलाना इस्लामुद्दीन उस्मानी साहब जो है दामद बरकातुहा अलैह वो भी तशरीफ ला चुके हैं। तो अब हम लोगों ने जो है उन हजरात की हौसला अफजाई करनी है। तिलावत वाला है, नात खान है, तो भाई क्या कहना है? सुभान अल्लाह के साथ क्या करना है? सुभान अल्लाह के साथ बोले भाई, सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह के साथ ताकि उनको पता चले सियालकोट वाले जिंदा दिल लोग हैं, अपने मेहमान का इकराम और एजाज करना जानते हैं। उनको ना कहना पड़े कि भाई बोले सुभान अल्लाह, बल्कि हम खुद क्या कहें, ऊंचा से बोले सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह की फजीलत आप हजरात अक्सर सुनते होंगे उलमाए इकराम से कि जो शख्स एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगाते हैं कि 100 साल तक, एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, बल्कि 100 साल तक अरबी उन नस्ल घोड़े, अरबी जो घोड़े होते हैं वो इंतहाई मजबूत और तेज रफ्तार किस्म के घोड़े होते हैं, अरबी उन नस्ल घोड़ा 100 साल तक उसके चक्कर लगाता रहे उसका साया नहीं होगा। अब आपकी मर्जी है आपने जन्नत में कितने दरख्त लगाने हैं। तो ऊंचा से बोले और ऊंचा से बोले माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे आप हजरात को। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाते अक्दस का तस्करा आ जाए, आपका इसमें गरामी आ जाए, तो हुजूर अलैहि सलातो सलाम पर क्या करना है? दुरूद पढ़ना है। क्या करना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहि सलातो सलाम का इरशादे गिरामी है कि जो शख्स एक मर्तबा मन सल्ला वाहिदन मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो शख्स उस पर एक मर्तबा दुरूद पड़ेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। तो क्या है भाई, हुजूर अलैहि सलातो सलाम का एक और इरशाद आपको सुनाता हूं। अकाल सलातो सलाम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर जितना दुरूद पड़ेगा वो कयामत के दिन मेरे उतने करीब होगा। अब हम में कौन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है वो कुर्ब चाहता है, तो उसको चाहिए चलते फिरते उठते बैठते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे क्या करना चाहिए? दुरूद पढ़ना चाहिए। एक सहाबी कहने लगे, यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मैं आप पे कितने वक्त दुरूद भेजूं, कब तक भेजूं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब तक आप बोले, तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कोई वक्त भी फारिग नहीं छोड़ूंगा, बस आप पे दुरूद पढ़ता रहूंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वा इज़ल कफ़ैता कि ये आपके लिए काफी हो जाएगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, कसरत से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एहसानात, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे और आपके लिए कितनी कुर्बानियां दी, कितने दुआएं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रो रो के पूरी पूरी रात हमारे लिए मांगते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन एहसानात को सामने रखते हुए तो कसरत से दुरूद पाक का जो है वो एहतमाम किया जाए। अब मैं बिना किसी ताखीर ज़ीनतुल कुर्रा फखरुल कुर्रा हजरत कारी सैयद मोहम्मद सलमान हाशमी साहब से, क्यों ना हो इस्लाम मुमताज दुनिया भर के मजाहिब में, क्यों ना हो इस्लाम मुमताज दुनिया भर के मजाहिब में, वहां मजहब किताबों में यहां कुरान सीने में। माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत अंदाज में आप हजरात के सामने तिलावत कलाम पाक पेश फरमा रहे थे जनाब हजरत कारी सैयद मोहम्मद सलमान हाशमी साहब। अब मैं मुख्तसर से वक्त के लिए नातिया कलाम के लिए दावत देता हूँ कारी अबू बकर साहब को। कलाम पेश फरमा रहे थे हजरत मौलाना गाजी फारूक मुआविया साहब।
हजरत तशरीफ रखे हैं अभी इंशाल्लाह ताला हजरत का बयान होगा। नामे मुहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, नामे मुहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाहे फिक्र को ताजा शुऊर मिलता है। हमारा अकीदा है नसीब कैसा भी हो नामे मोहम्मद लेकर रब से जो मांगे जरूर मिलता है। सब बोले सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि। भाई हुजूर अली सलातो सलाम का इसमें ग्रामी आ जाए तो आका अली सलातो सलाम पर दुरूद भेजना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है मन सल्ला वाकिदन मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि आशरा, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। तो इसलिए दुरूद का जो है वो चलते फिरते आका अलैहि सलातो व सलाम पर जो है वो अपना मामूल बनाना चाहिए। जो शख्स ये चाहता हो कि मुझ पर अल्लाह ताला की रहमत बरसती रहे वो आका अलैहि सलातो व सलाम पर दुरूद पढ़ता रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन तुम में से मेरे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ेगा। तो सब चाहते या नहीं चाहते हैं कि हुजूर का जो है कयामत के दिन कुर्ब हमें नसीब हो, तो कसरत के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद का वो एहतमाम करना चाहिए। और इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत, जैसे कि बरादर मुकर्रम हजरत मौलाना फारूक मुआविया साहब फरमा रहे थे कि ये जो महीना रबीउल अव्वल का भी है और सितंबर का भी है, 7 सितंबर 1974 के अंदर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में कादियानियों को जो है वो मुत्तफिका तौर पे दारा इस्लाम से खारिज किया गया। और इसी तरह ये रबीउल अव्वल का महीना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत और वफात का महीना है। अब मैं बिला किसी ताखीर कायदे सियालकोट हजरत अक्दस मुजाहिद इस्लाम मुजाहिद खत्म नबूवत हजरत कारी मोहम्मद शफीक डोगर साहब